Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series, and here is a book, Science Spark. Today we are going to start chapter number 13 and the name is In the Sky. So let's learn what all things we can see in the sky. So we will learn about the solar system, the moon, the stars. So let's start with the warming up exercise. Draw and color the sun, the cloud, the moon and the stars in the picture. तो आपको क्या करना है, आपको सन को ड्रॉ करना है, क्लाउड्स को ड्रॉ करना है, मून को ड्रॉ करना है, स्टार्स को ड्रॉ करना है और उन्हें कलर करना है. गो टू द टेरेस और इन एन ओपन एरिया ऑन अ क्लियर नाइट एंड ऑब्जर्व द स्काई केयरफुली. तो आपको क्या करना है, टेरेस में छत पे जाना है, किसी ओपन स्पेस में जाना है. कब जाना है, जब आसमान एकदम साफ हो और आपको देखना है कि आपको आसमान में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं. वॉट ऑल डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे. यू विल सी द मून एंड काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स. आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, वहाँ आपको मून दिखाई देगा, मीन्स चांद दिखाई देगा. बहुत सारे छोटे छोटे चमकते हुए तारे दिखाई देंगे. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अ फ्यू अदर ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट ट्विंकल. अब इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो चमकते नहीं हैं, जो ट्विंकल नहीं करते. दीज ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स. और ये कौन हैं, ये हैं प्लैनेट्स. सिमिलरली इफ यू सी द स्काई ऑन अ सनी डे. इसी तरीके से अगर आपने सनी डे में स्काई को देखा, यू विल ऑब्जर्व द ब्राइट सन. आपको क्या दिखाई देगा, एक चमकता हुआ सूरज. द सन, planets and their moons and the stars are some of the components of the universe. तो जो sun है, जो planets हैं, जो moon हैं, ये क्या हैं, हमारे universe के कुछ बहुत ही important components हैं, आप कह सकते हो part हैं. So let's start with the solar system. The solar system consists of the sun and the planets. Sun और planets से मिला के ही solar system बना है. These are, first is the sun. So here you can see the picture of sun, children. The sun is our nearest star. Sun क्या है, एक star है और वो सबसे पास star, वो star हमसे सबसे पास है. It is a huge ball of burning gases. ये काफी बड़ा एक ball है जिसमें बहुत सारे gases burn हो रहे हैं. That gives us light and heat. जो हमें light और heat दोनों देते हैं. इट इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. आपके घर में जैसे हेड होता है ना कोई, जैसे कि आपके ग्रैंड फादर हेड होते हैं फैमिली के, उनका डिसीजन फाइनल होता है, वैसे ही ये हमारे सोलर सिस्टम का हेड है. नेक्स्ट आते हैं हमारे प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द सन. प्लैनेट्स क्या है, ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. दे डू नॉट ट्विंकल एज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. ये जो प्लैनेट्स हैं ये चमकते नहीं हैं तारों की तरह, क्योंकि इनकी खुद की लाइट नहीं होती. बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, लेकिन ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं. देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड दे आर मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये हैं टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के. All these planets move around the sun in their fixed path. जितने भी planets हैं sun के चारों तरफ अपने रास्ते में continuously move करते रहते हैं. And this movement is called revolution. और sun के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, revolution. Children, do you know, apart from these 8 planets, we also have some very small planets known as dwarf planet. आपको पता है, प्लैनेट्स के अलावा भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, और ऐसे प्लैनेट्स को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं. ये यू कैन सी, दिस इज आवर यूनिवर्स. और प्लैनेट्स किस ऑर्बिट में घूमते हैं, उनका कौन सा रेगुलर पाथ है, दैट यू कैन सी. दिस इज योर सन. अब ये मर्कुरी का पाथ, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो ये है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. आप देख सकते हो छोटे छोटे यहाँ पे आपको अदर प्लैनेट्स भी दिख रहे हैं.
Now let's learn about the moon. अब चलिए पढ़ते हैं moon के बारे में. The moon is our closest neighbor in the sky. क्या है moon? हमारा सबसे पास का पड़ोसी. आप देख सकते हो ना, ये earth है और ये है हमारा moon. Just as the earth moves around the sun, the moon moves around the earth. तो जैसे sun के चारों तरफ earth चक्कर लगाता है, वैसे ही जो earth है उसके चारों तरफ moon चक्कर लगाता है. The moon is called the Earth's satellite. Moon को Earth का natural satellite कहा जाता है. It is nearly 4 lakh kilometers away from Earth. ये Earth से 4 lakh kilometer दूर है. But it does not come close than 384,000 kilometer. लेकिन ये Earth के पास 384,000 kilometer से ज़्यादा नहीं आता. It travels at about 3,660 किलोमीटर्स पर आवर. हर घंटे में वो इतने किलोमीटर्स को कवर कर लेता है. इट टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन. अर्थ के चक्कर लगाने में मून को 27.3 डेज लगते हैं. एज वेल एज रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, और अर्थ का को रिवॉल्व करने में. Now here you can see how the moon shines. कैसे जो है moon जो है shine करता है. तो ये सूरज है, ये हमारा moon है और ये हमारा earth. अब सूरज की रोशनी पड़ रही है moon पे. अब क्योंकि यहाँ पे रोशनी पड़ रही है तो ये जो moon हमारे earth को चमकता हुआ दिखता है. आप देख सकते हो moon का orbit, ये है moon का orbit, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है. ये है umbra, ये है penumbra, sun की rays. So this is how the moon shines. It is the only place in the universe which has been visited by man. ये जो है ये सिर्फ एक ऐसी इकलौती जगह है earth पे universe में जहाँ पे man जा चुका है. सिर्फ moon ही ऐसी जगह है जहाँ पे man जा चुका है. It is dry and barren. ये काफ़ी ज़्यादा सूखा है, बंजर है. There is no water and air. ना तो यहाँ पे पानी है और ना ही यहाँ पे एयर है. With the result, there is no possibility of life. अब ये सब चीज़ें देख के यही कहा जा सकता है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. Its surface has mountains and huge pits called craters. अब यहाँ पे जो मून का सरफेस है उसमें बहुत सारे माउंटेन्स बने हुए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है. Next, let's learn about the phases of the moon. अब moon के कौन कौन से phases हैं चलिए पढ़ते हैं. As the moon revolves around the sun, around the earth, जैसा कि जो moon है वो earth के चारों तरफ चक्कर लगाता है, the moon's lighted portion phase as also changes. तो moon का जो phase है ना वो हमारी तरफ जो होता है वो change होता रहता है. That is why the shape of the moon as seen by us keeps on changing. तो इसलिए जो मून का जो शेप है ना वो चेंज होता रहता है. तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट न्यू मून जिसे हम अमावस्या कहते हैं. व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन. जब जो है मून जो है क्या होता है अर्थ और सन के बीच में होता है. वी डू नॉट सी द मून एट ऑल. हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है. It is called the new moon. इसे new moon या फिर अमावस्या कहा जाता है. The sunlight falls on that part of the moon which is away from the earth. Sunlight उस part पे पड़ता है moon के जो हमारे earth से दूर होता है. It is dark on the new moon night. तो जब new moon night होता है ना तो एकदम अंधेरा होता है, मून दिखता ही नहीं है. नेक्स्ट कम्स क्रीजेंट मून. आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा मून हमें शो हो रहा है. दिस इज क्रीजेंट मून. टू और थ्री डेज लेटर, दो तीन दिन बाद क्या होता है, वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून. हमें मून का सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है. दिस इज कॉल्ड द क्रीजेंट मून. इसे क्रीजेंट मून कहा जाता है. नाउ फर्स्ट क्वार्टर. Within a week we see half of the moon and it is called the first quarter. एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें जो है आधा मून दिखाई देने लगता है, इसे हम first quarter कहते हैं. Next comes gibbous moon.
When we see more than half of the moon, जब हमें आधे से ज्यादा मून दिखाई देने लगता है, इसे हम गिबियस मून कहते हैं. फिर आता है फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं. विद इन 2 weeks, 2 हफ्तों के अंदर अंदर वी सी द फुल फेस ऑफ द मून, हमें फुल फेस दिखाई देता है मून का. द मून इज राउंड एंड ब्यूटिफुल. मून जो है राउंड है, ब्यूटिफुल है, एंड इट इज कॉल्ड फुल मून. When the earth is between the sun and the moon, जब earth जो है sun और moon के बीच में होता है, तब ऐसा होता है. The sunlight falls on that part of the moon. Sunlight जो है moon के उस part पे पड़ता है, which is facing the earth, जो earth को face कर रहा है. After full moon day, the size of the moon appears to decrease again. A full moon day के बाद जो moon का size आप देख सकते हो, फिर से gibbous हो गया है. And फिर फर्स्ट क्वार्टर की तरफ पहुंच गया है. इट सीम्स टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. अब वो फुल मून के बाद वापस से छोटा होने लगता है. व्हेन इट कंप्लीट्स द सर्कल, जब ये मून अपने सर्कल को कंप्लीट करता है, वी कैन नॉट सी द मून, हम मून को नहीं देख पाते. मीन्स न्यू मून वाले दिन. डिक्रीजिंग साइज ऑफ द विजिबल मून इज कॉल्ड द वैनिंग, एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ द मून, विजिबल मून इज कॉल्ड वैक्सिंग. जब साइज कम होता है उसे वैनिंग कहा जाता है. जब साइज मून का बड़ा होने लगता है, मीन्स वो ज़्यादा दिखता है हमें, तो उसे वैक्सिंग कहा जाता है. द इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. अभी जो रोशनी वाला हिस्सा दिख रहा है ना हमें मून का, जहाँ पर हमें लाइट दिख रही है, इन सब चेंजेस को हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को हम फेजेज ऑफ द मून कहते हैं. दीज फेजेज ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन डिक्लेयरिंग मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड ईद. अब ये जो मून के फेजेज है ना, इसकी वजह से ही कई सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं. एक तो होता है दिवाली और दूसरा होता है ईद. दिवाली ऑलवेज फॉल ऑन न्यू मून, मीन्स अमावस्या. जब न्यू मून आता है तो उस दिन दिवाली मनाई जाती है. एंड ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड व्हेन द मून इज लाइटर. जब मून बहुत ही हल्का सा दिखता है ना, तब उस दिन ईद उल फितर मनाया जाता है. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. क्या हमें ये दोनों दिन में दिखाई देते हैं? नो, फॉल्स. द मून इज आवर नियरेस्ट स्टार. क्या मून एक हमारा नियरेस्ट स्टार है? सो फाइंड आउट द आंसर चिल्ड्रेन ऑफ द रेस्ट 3 questions एंड राइट देम हियर. नेक्स्ट कम्स द स्टार्स. ऑन अ क्लियर नाइट वी कैन सी मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. जैसे जो है आसमान एकदम साफ रहता है अंधेरे में, मीन्स रात में, तो हमें बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखते हैं आसमान में. स्टार्स आर बिग बॉल ऑफ फायर. स्टार्स जो है काफ़ी बड़े बॉल हैं फायर के. दे हैव लाइट एंड हीट इफ दे ऑफ देयर ओन. सो ये जो स्टार्स हैं उनके पास खुद का हीट और लाइट होता है. दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ये हमसे काफ़ी दूर होते हैं. दैट इज वाई दे लुक लाइक टाइनी स्पार्कल्स. इसलिए छोटे छोटे स्पार्कल जैसे दिखते हैं हमें. द सन इज ऑल्सो स्टार. सन क्या है? ये भी एक स्टार है. इट इज मेड अप ऑफ गैसेज एंड कीप बर्निंग. ये क्या है? बहुत सारे गैसेज से बना है जो लगातार जलते रहते हैं. द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द सन इज अबाउट 5,500 degrees Celsius. तो यहाँ पे आप देखो सन का टेम्परेचर कितना ज्यादा है. इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये अर्थ के सबसे नज़दीक वाला स्टार है. दैट इज वाई इट इज इट अपियर्स सो बिग. इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड क्लस्टर्स. बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को हम क्लस्टर्स कहते हैं. ग्रुप ऑफ स्टार शेप आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. और जो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, होते हैं ना, इनके शेप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. Orion, Scorpius and Ursa Major are the name of some famous constellation. तो कुछ famous constellations के name यहाँ पे दिए गए हैं. Huge
ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज. बहुत सारे स्टार्स के कलेक्शन को ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो हों उन्हें गैलेक्सीज कहा गया है. आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है. तो ये आप देख सकते हो पिक्चर, मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखती है. एंड ये है कॉन्स्टिलेशन, मीन्स कितने सारे स्टार्स हैं उनका ग्रुप. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक. द सन इज अ ह्यूज हॉट गैसियस बॉल. इट इज अ स्टार दैट गिव्स हीट एंड लाइट. ये एक स्टार है जो हीट और लाइट देता है. द सन एंड द एट प्लैनेट्स मेक अप द सोलर सिस्टम. द मून इज द अर्थ्स सैटेलाइट एंड इट इज द अर्थ्स नियरेस्ट नेबर. स्टार्स आर हॉट बॉल्स ऑफ गैसेस एंड हैव देयर ओन लाइट. लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड क्लस्टर्स एंड ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म शेप आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. सो हियर द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव लर्न इज रिवॉल्व. रिवॉल्व मीन्स टू गो ऑर्बिट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, किसी चीज के चक्कर लगाना. एंड द सेकेंड वर्ड इज रिफ्लेक्ट. कास्ट बैक हीट लाइट एंड साउंड फ्रॉम अ सर्फेस, किसी सर्फेस से टकरा के हीट प्रोड्यूस करना, लाइट प्रोड्यूस करना या फिर साउंड को प्रोड्यूस करना. सो दीज वर द न्यू वर्ड्स चिल्ड्रन. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सन इज अ प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट और कॉमेट. सो सन इज अ स्टार. Which of the following is not a constellation? इनमें से कौन सा है जो constellation नहीं है? उसरा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियस और सैटर्न. सो सैटर्न इज अ प्लैनेट, नॉट अ constellation. लाइक द चिल्ड्रेन यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द questions yourself. Now children, let's move on to B part, which is name the following. The first question over here is the center of the solar system. So yes, the center is the sun. नेक्स्ट अर्थ सैटेलाइट, अर्थ के सैटेलाइट का नाम बताना है. सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. नाउ डू द रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस योरसेल्फ. लेट्स मूव ऑन टू सी एक्सरसाइज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. सो डैश आर वेरी फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ. अर्थ से काफी ज्यादा दूर है कौन, स्टार्स. नेक्स्ट वन, the sun is made up of hot gases. The fixed path on which the planets move on is called. वो fixed path जिस पे जो planets हैं move करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं orbit. Like this, do the rest two questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Mention any two features of the sun. So sun is a huge ball of gas which gave us light and heat. And sun is a star that is nearest to the earth. Now how many days does the moon take to complete one circle around the earth? So moon takes 27.3 days to complete one revolution around the earth. Now next is explain the solar system with the help of a diagram. So you have to do this yourself. Mention any three features of stars and what is a galaxy and in which galaxy is our planet located. So you have to do these three questions yourself children. And with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.